नमस्कार दोस्तों, इस बार आप लोगों के लिए मैं कुछ नया लाया हूँ, IRCTC पे अकाउंट कैसे बनाना है इसके बारे में। क्योंकि दोस्तों आप लोग 2019 2018 के हिसाब से अगर बनाएंगे तो प्रॉपर नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करना पड़ता है और बहुत लोगों का रिक्वायरमेंट है टिकट कैसे निकालना है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं IRCTC का साइट ओपन हो गया, इसको आप गूगल पे सर्च कर लीजिए IRCTC तो भी आ जाएगा, और डायरेक्ट लिंक आप देख सकते हो ऊपर है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ठीक है, इससे आप टिकट इजीली निकाल सकते हैं, बहुत लोगों को टिकट निकालने में प्रॉब्लम आता है, उस पर भी आप इसको थोड़ा पढ़ लीजिए। इसमें जो लिखा हुआ है, इस समय कोरोना चल रहा है तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारी बातें लिखी हुई है, उसमें आप थोड़ा पढ़ लीजिए, बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। हाँ ठीक है दोस्तों, ये देखिए इसका वेबसाइट है, आप इसमें टिकट चेक कर सकते हैं और डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं। हम लोग पहले लॉगिन करते हैं, यहाँ लॉगिन का ऑप्शन है, आप देख लीजिए, बहुत लोग इस वेबसाइट पर लॉगिन का ऑप्शन दिखता नहीं है, इसलिए आप लॉगिन का पहले देख लीजिए। ठीक है, लॉगिन का ऑप्शन आ गया, यहाँ लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ गया है, यूज़र नेम डालना है। चलिए, यहाँ पर बहुत सारे यूज़र नेम्स हैं, मैं इसमें से एक चॉइस कर लेता हूँ। चलिए मैं मोदनवाल, जो मेरा नाम का सरनेम है गोविंद कुमार मोदनवाल 111 निकाले 111 डालते हैं। ठीक है, जो कि एक्सेस हो गया है, अगर समझे आपने नहीं, अगर आपका एक्सेस नहीं होता तो कुछ इस तरीके से आएगा, आप देख लीजिए। देखिए मोदन वाल इज नॉट अवेलेबल, ठीक है, तो इसलिए मैं एक वन डालो, अवेलेबल है मोदन वाल वन। ठीक है, अब मैं पासवर्ड लेता हूँ, पासवर्ड ऐसे डालो दोस्तों कि मतलब इजीली एक्सेस हो जाए। ठीक है, मैं आपको ये वीडियो आराम से बता रहा हूँ क्योंकि आपको इजी हो जाए समझने में। सिक्योरिटी कोड डाल देते हैं, नेम योर राइट योर पेट नेम, तो चलिए मैं डाल देता हूँ कुछ भी। ठीक है, और इधर आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिए, इंग्लिश। अब चलिए मेरा आप कोई भी नाम डाल के देख लीजिए, आपको ठीक है। अभी मेरा आवाज़ से तो मेल है, तो मतलब मैं मेल ही हूँ, डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। ये मैं आपको नॉर्मली बताने के लिए डेमोस्ट्रेशन में बता रहा हूँ आपको, तो आपको मैं पूरा रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा कैसे होता है। 94 अभी दोस्तों मैं मैरिड नहीं हूँ, अनमैरिड हूँ, डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट हुआ नहीं। ठीक है, 25 डजन ऑक्यूपेशन स्टूडेंट डाल देता हूँ, स्टूडेंट डाल देता हूँ। देखिए सब कुछ ले चुका है ऑटोमेटिकली, ये आपको थोड़ा ब्लर दिखेगा तो उसके लिए सॉरी। ठीक है दोस्तों, अब इसको आपको लास्ट में कर देना है, आपको ऊपर के थोड़े चीजें ब्लर दिखेंगे, उसके लिए सॉरी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए हो गया है इसको, चलो मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर नेशनलिटी पूछ रहा है, मैं नहीं डाला था इंडियन। ठीक है, ये आईडी रजिस्टर है तो उसको भी चेंज कर देते हैं। आपको बताने दोस्तों एक ही रीजन है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि गलतियां कहाँ होती है, इसलिए मैं हर गलती को ऊपर मतलब क्रिएट करो कि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, कंफर्म। देखिए दोस्तों, मेरा पूरी तरह आईडी नंबर में सब रजिस्टर हो गया है,
अभी वहां पर बोल रहा है क्लिक हियर टू द लॉग इन, ये मेरा यूजर आईडी नंबर है, ये मुझे आपको मेल भी आ जाएगा, आप देख लेना हमें मेल में भी जाके, ठीक है क्लिक हियर टू द लॉग इन कर देते हैं। अब यहाँ लॉग इन के ऊपर ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखिए ये आ गया मेरा आईडी, अब जो मैंने पासवर्ड उधर डाला था वो पासवर्ड मुझे यहाँ पर लिखना है। दोस्तों कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा वेट कर लीजिएगा। दोस्तों देख सकते हैं हो गया, अब इसको मैं साइन इन कर देता हूँ। दोस्तों अब ये पूछ रहा है मेरा वेरिफिकेशन, आप देखिए यहाँ मेरा यूजर आईडी और मोबाइल नंबर दिख रहा होगा। तो दोस्तों अब इसमें एक ओटीपी रहेगा जो मेरे ईमेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे आया होगा, मुझे ओटीपी इसमें डालना होगा, कंपलसरी है। तो यहाँ लिखे वेरीफाई योर मोबाइल नंबर विथ ओटीपी, देखिए मेरा मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आया है मैं डाल देता हूँ। देखिए ओटीपी मैं डाल देता हूँ 5 8। ठीक है ठीक है, अब मेरा जीमेल आईडी पे भी एक ओटीपी आया है, मैं वो ओटीपी ओपन कर लेता हूँ। अब ईमेल आईडी का ओटीपी जो है मेरा आया हुआ है, वेरीफाई और ओटीपी। फाइव थ्री 7014, ठीक है ठीक है, दोनों के दोनों देखिए एक्टिवेट हो गया है। अब कुछ नहीं करना है आपको, बस आपका अकाउंट एक्सेस में ले लेना है, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। चलिए मैं ट्रेन का टिकट के बारे में आपको बता देता हूँ, ऐसा बुकिंग किस तरीके से होता है। ट्रेन टिकट के ऊपर क्लिक करना है। हाँ मैं तो कहता हूँ दोस्तों एक बार ना आप इसको लॉग आउट करके वापस एक बार लॉग इन कर लीजिए, इससे क्या होगा आपका अकाउंट पूरी तरह वेरीफाई हो जाएगा। लॉग आउट क्लिक हियर टू लॉग इन, और दोस्तों अगर आपको कोई और वीडियोस के ऊपर बनाना है, कोई और एप्लीकेशन या कोई वेबसाइट के ऊपर, तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं जरूर उस पर बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों लॉग इन कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों लॉगिन तो हो रहा है, थोड़ा कभी टाइम ले लेता है इंटरनेट की वजह से। आगे चले यहाँ पर मैं इसको पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। ये रिबूट करना कंपलसरी, कभी कभी रिबूट बहुत अलग तरीके से आता है, आप ध्यान दीजिएगा। साइन इन कर लेना है। देखिए दोस्तों लॉग इन हो गया है, अभी समझे मैं कहीं का टिकट देखता हूँ, चले कोई भी देख लेते हैं, समझे LTT2 BSB बनारस देखते हैं, BSB ठीक है। अभी इस पे मैं डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस आज के दिन बुकिंग चालू हुआ है 22 का, तो मैं 22 का ट्रेन का बुकिंग का देख लेता हूँ, आई थिंक आगे का भी चालू हुआ होगा, मैं देखता हूँ मैं जो रहेगा मैं आपको पूरा करके दिखाता हूँ। ठीक है मैं सेकेंड सीटिंग पे ले लेता हूँ। ठीक है देखिए यहाँ पर 3 ट्रेन दिखा रहा है, मैं इसमें लास्ट वाला सिलेक्ट किया हूँ, LTT बनारस सुपर फास्ट, अभी यहाँ पर तो वेटिंग है। ठीक है तो भी मैं कर लेता हूँ बुक नाउ पे, मैं इसमें आपके एक आइडिया के लिए कर रहा हूँ कि मतलब एक्चुअल में कैसे बुकिंग किया जाता है। बुक नाउ, आई एग्री। अब यहाँ पर आप डिटेल्स भर दीजिए, जैसे जिसका रहेगा राम नारायण, एज डाल दीजिए जो भी आपको डालना है, जेंडर, ये सब गलती मत करो दोस्तों, क्योंकि अगर इसमें आपने गलती किया तो फिर मतलब
देखिए यहाँ पर आ गया है, अभी वेटिंग है, 12 तक चालू हो गया है, ये सब आपको लिख के आ जाएगा। इसको करना है रिबूट, कंपलसरी है करना। उसमें मैं ये वीडियो वन टाइम में बना रहा हूँ, मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की है। कंटिन्यू पे क्लिक करना है, यस पेमेंट ऑप्शन पे चला जाएगा। अब देखिए पेमेंट ऑप्शंस पे आ गए, इस पर आप हर तरीके का पेमेंट यूज़ कर सकते हैं। नेट बैंकिंग है, इस पर हम नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, वॉलेट कार्ड भी सब जो है आप एयरटेल मनी मोबाइल वॉलेट पेटीएम वॉलेट या कुछ भी IRCTC का कर सकते हैं। ई पेमेंट लेटर करके नया निकला है वो भी है, आप गेटवे भी यूज़ कर सकते हैं, वीजा मास्टर जो भी कार्ड आपके पास हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द यही प्रॉफिटेबल है। ठीक है, UPI के थ्रू या कोई भी आप ऐसे कर सकते हैं। पेमेंट पे क्लिक करना है, देखिए डायरेक्ट ओपन हो जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। बस यहाँ पर अपना अकाउंट डिटेल डाल दीजिए और पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। चलो हो गया डॉक्टर। दोस्तों इसका आप 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्जेस लिया जाता है, इससे ज़्यादा कोई चार्जेस नहीं बनता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।